हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद पायल। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम बनाएंगे राजमा चावल, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है हमारे लंच की, डिनर की। आप कोई भी समय इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है 1/2 kg राजमा, और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया है। और ओवरनाइट भिगोने के बाद अब हम इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद कुकर में डाल के लगभग 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। और बिल्कुल इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 पिंच सोडा डालेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। सोडा डालने से बहुत ही जल्दी हमारा कोई भी जो मटर हो या छोला हो बहुत अच्छे से गल जाता है। तो देखिए हमारा राजमा बिल्कुल अब पक चुका है सीटी लगने के बाद। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, 2 तेज़पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे, साथ ही में कुछ लाल मिर्च, आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए प्याज ऐड किया है, और प्याज को हम लगभग 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे, जब तक वो हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए अब हमारा प्याज काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट, और इसे हम थोड़ा भुनेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसमें से थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड कर लेते हैं, और साथ ही में हम अपने जो ड्राई मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि ये इन्हीं पानी के संग काफ़ी अच्छे से भुन जाएँ वो सारे मसाले। तो इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हल्दी, हींग और कश्मीरी मिर्च, साथ ही में मैंने इसमें डाला हुआ है 1 टीस्पून राजमा मसाला, धनिया पाउडर, तो अब इन सबको मिला के काफ़ी अच्छे से हम भून लेते हैं। तो देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भून चुका है, थोड़ा मैंने इसमें और पानी ऐड किया था उसे मसाला भुनने के लिए, और कलर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। अब हम इसमें अपनी टोमेटो प्यूरी डालेंगे, मैंने 2 से 3 टमाटर को मिक्सर में बिल्कुल प्यूरी कर लिया है, और अब हम इसे भून लेते हैं थोड़ी देर तक। तो टमाटर पीस के डालने से हमारे राजमा की जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी बनती है बिल्कुल, और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो देखिए अब हमारा टमाटर भी काफ़ी अच्छे से भुन गया है और मसाले बिल्कुल एक सार हो चुके हैं। अब इस समय हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो बॉयल्ड राजमा है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। थोड़ा पानी है अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डाल लीजिए, और नमक हमने पहले भी डाला था तो थोड़ा नमक हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा नमक हमने पहले भी डाला था। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया है। अब इसको ढक के थोड़ी देर तक के लिए 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे बिल्कुल मीडियम आंच पे, धीमे आंच पे। इन्हें चावल के साथ सर्व करिए, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चावल रोटी किसी के साथ भी आप सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए अब हमारा बनके रेडी हो गया है राजमा, काफ़ी अच्छे से ये पक चुका है। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल के इसे गार्निश कर लेते हैं और फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो बिल्कुल इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राजमा और चावल एंजॉय करिए। बाय।